Krishna,
प्यारे मेरी टेर सुनो
तेर दारे मेरी टेर सुनो चित्रलाल अधीन हो त्यारोई ब्रज साहिबनी ये में मलीन करुणा की ओर ढरिए भारी भवसागर सो धूपत बचाओ मोहे काम क्रोध मोह लोभ लागे सब अरिये बलो बुरो जैसो तैसो पर्यो तो हूँ तिहारे द्वार मेरे गुण अवगुण तय चित्त में न धरिए कीरत किशोरी वृषभान की दुहाई तोए लक्ष लक्ष भाति सो मेरे वही अठी को पक्ष करिए
हमने सुना है यमुना जी की मछलियां यमुना जी में जीती हैं, गंगा जल में नहीं जी सकती हैं। जैसे मछली और यमुना जल सांवरे प्रेम बूंद बरसा प्रेम बूंद बरसा प्यारे प्रेम बूंद बरसा घट के ऊपर खनहारे घट घट के हो पर खनहारे हम भिक्षुक तुम राज दुलारे हम भिक्षुक तुम राज दुलारे तनक दया की तनक कोर पे तुमरो कछु
मेरी टेर सुनो कितना तेरत हम तो हारे तक गए भारे थक गए भारे थक गए भारे तो याद नहीं है लेकिन किसी समय यहां आठों ग्रह आ गए हैं। ये सारे संसार में इसकी चर्चा थी। लगभग 70 साल पुरानी बातें हैं और ज्यादा।
उस समय एक घटना होने वाली थी, स्काई लैब एक लेबोरेटरी थी, आकाश में छोड़ी गई थी और वो कहीं भी गिर पड़ती सभी देश वाले विचार करते थे शायद हमारे देश में गिरे। भारतवर्ष में भी उसकी बड़ी चर्चा थी। हम समय यहाँ नहीं थे, प्रयाग में थे। और माघ मेले में बहुत ज़्यादा चर्चा थी, शायद गंगा तट पर लोग आराधना कर रहे थे कि किस समय गिर पड़े, कहाँ। दुनिया का हर देश उस समय आस्तिक बन गया था। जहाँ तक हमें याद है, हम और सभी देशों से रक्षा की आवाज़ें आई, क्योंकि आकाश में था वो, स्काई आकाश लेबोरेटरी, एक पूरी लेबोरेटरी छोड़ी गई थी, लेकिन ये पता नहीं था कहाँ गिरेगा। उस समय हमें याद है, हम भी पढ़ते थे, सनवन तो याद नहीं है हमको याद, लेकिन दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं था क्या? खैर जो भी हो, पचहत्तर में तुम यही थे। उसके पहले शायद आठों ग्रह इकट्ठे हुए थे, तब हम प्रयाग में थे। उस समय संसार का सारा देश भगवान की उपासना कर रहा था। बड़े बड़े नास्तिक लोग भी आस्तिक बन गए। स्काई लैब की नहीं सही, आठों ग्रह की बातें हैं। जो भी घटना हो, आराधना के फल रहा कि संसार में स्काई लैब कहीं नहीं गिरा। कहीं गिरा होगा समुद्र वगैरह में, पता नहीं हमें, लेकिन सभी देश सुरक्षित रहे। इतना याद है कि आराधना का फल था, सारे संसार पर संकट था और आराधना से वो टल गया।
इसी तरह से इस समय जो क्या कहते हैं कोरोना का भय है देश में, उससे लोग मर भी रहे हैं। कोरोना का भय से हर शहर में, हर आश्रम में जहाँ थोड़ी थोड़ी आस्तिकता है, वो लोग भी भगवान की याद कर रहे हैं। एक घटना, ये सब हमारे सामने भई हैं और आपत्ति के समय सब लोग नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। आत्मकथा में लिखा है कि जहाज, पानी के जहाज में ज्यादातर लोग पहले जाते थे, हवाई जहाज कम थे। तो पानी के जहाज में शायद विवेकानंद जी ने लिखा है, कुछ कुछ याद आ रही पुरानी बातें, वो जा रहे थे विदेश। उसी समय समुद्र में एक भयंकर तूफान आया, और उस तूफान में जहाज में जो सूचना दी जाती है, बोले जहाज डूबने वाला है, जिसको जो कुछ करना हो कर लो रक्षा का उपाय। सारे जहाज के यात्री घबरा गए, भयंकर तूफान था और समुद्री तूफान बहुत भयानक होता है। जहाज चक्कर काटने लग गया और विवेकानंद जी ही शायद थे, हमारा अंदाज है, जो पुरानी बातें हम भूल जाते हैं। हाँ, तो उन्होंने, ये आस्तिक थे और वो भगवान के नाम कीर्तन करने लग गए। उससे एक फायदा हुआ, जो विरोधी थे वो भी शांत हो गए और उस प्रार्थना में वो भी सम्मिलित हो गए। जितने जहाज के आदमी थे सभी लोग प्रार्थना करने लग गए। फिर वो तूफान चला गया, संकट चला गया, तो हमने इसलिए सुनाया कि संकट के समय सभी लोग आस्तिक बन जाते हैं, नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं, क्योंकि उस समय कोई सहारा नहीं दिखाई पड़ता। द्रौपदी ने
गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, महाभारत में टेर लगाई थी। यद गोविंदे थि चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम ऋणम एतम प्रवृद्धम में हृदयान्नाप सरपति। जब संकट टल गया, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उसके बाद भी ये भगवान ने श्लोक कहा है कि जो द्रौपदी ने पुकार लगाई थी, गोविंद देति चुक्रोश कृष्णा माने द्रौपदी, माम दूरवासिनम, मैं उस समय द्वारका में था, बहुत दूर, अब गोविंद की आवाज द्वारका में पहुंची और भगवान ने आकर के चीर बढ़ाया। महाभारत हो गया, सब संकट टल गया, लेकिन उसके बाद श्याम सुंदर ने कहा वो आवाज आज तक हमारे कान में गूंजती है। और ऋणम एतम प्रवृद्धम में ऐसा लगता है कि मैं आज तक उस कर्ज को चुका नहीं पाया। महाभारत हो गया, सब कुछ हो गया, अगर करुणा से कोई पुकारता है तो गोविंद इतना ध्यान रखते हैं, वो आवाज प्रलय पर्यंतर अमर हो जाती है। इसलिए आपत्तियां जब आती हैं तो आपत्तियां कुछ दे के जाती हैं, अनेक जीवों को, आस्तिकों को आराधना में लगा जाती हैं। इस समय जैसे भारतवर्ष में कोरोना का भय है, कोरोना है, हाँ, तो सब जगह से आवाज आ रही आराधना की। हर नेता, हर पार्टी इसका समर्थन कर रही है, विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं है। जो अत्यंत नास्तिक है उसकी तो नहीं कह सकते, क्योंकि नास्तिक तो कभी नहीं सुधरते। और आस्तिक तो आस्तिक होता ही है, हम लोग इस सवेरे हमारे पास राधाकांत गए थे, चर्चा कर रहे थे, बोले पुलिस वाले आए थे और उन्होंने अपनी बातें सुनाते रहे, हम सुनते रहे। हमने कहा भाई आराधना तो जरूर होगी, भले तुम माइक चलाओ चाहे ना चलाओ, आराधना जरूर होनी चाहिए। आराधना जब छोड़ देगा मनुष्य तो फिर क्या सहारा है।
एकमात्र सहारा है भगवान का। और जो भारतवर्ष में जिसका जन्म हुआ है, जो भारतीय है, उसके अंदर संस्कार अवश्य होंगे भगवान के, आस्तिकता के। आराधना बंद नहीं हो सकती। हम इसीलिए विशेष रूप से आए हैं। कुछ लोगों ने कहा था आप मत जाओ, हमने कहा हम तो जाएंगे भाई। ये प्राण तो जाएगा ही, चिंता करने से, सोचने से कुछ नहीं होगा, होता है भगवान के स्मरण से। और उसका भगवान ऋणी हो जाता है। यद गोविंदेत चुक्रोश, महाभारत के बाद भी भगवान बोले कृष्ण। किसी ने कहा हमको वो आवाज आ रही है, हाथी चिघाड़ते थे, युद्ध की बहुत सी बातें याद आती थी। श्री कृष्ण बैठे थे, अपनी अपनी चर्चा लोग कर रहे थे। कोई कहता था कि हमको भीमसेन का युद्ध आ रहा है याद, कोई कुछ कहता था, अपने अपने अनुभव की चर्चा करते थे। श्री कृष्ण चुप बैठे थे। उनसे पूछा गया कि गोविंद तुम भी बोलो। सारा महाभारत हो गया, कौन सी बात तुमको याद आती है, किसका युद्ध आता है याद? बड़ी बड़ी घटनाएं भई, अंत में श्याम सुंदर बोले ना मुझे किसी का युद्ध आता है याद, न कोई घटना याद आती है, एक बात याद आती है, यद गोविंदेत चुक्रोश। कृष्णा माने द्रौपदी ने, जब मैं दूरवासी द्वारका में था और चिल्लाई थी यहाँ हस्तिनापुर से, यहाँ से आवाज़ वहाँ पहुँची। अब सोचो द्वारका कितनी दूर है, समुद्र पार आवाज पहुंच गई। क्यों? भावना वो शक्ति है। भावना से जब मनुष्य बुलाता है वो आवाज अवश्य पहुंचती है। और बोले ऋणम एतम प्रवृद्धम में, चीर हरण हुआ और चीर मैंने बढ़ाया, लेकिन आज तक उस ऋण से मैं हल्का नहीं हुआ। ऋणम एतम प्रवृद्धम में हृदयान्नाप सरपति, हमारे हृदय में आवाज जो द्रौपदी ने लगाया था गोविंद, आवाज आज तक हमारी कानों में गूंज रही है, आवाज कभी नहीं जाती। इसलिए आराधना अमर है, आराधना कभी नहीं बंद होनी चाहिए।
ठीक है माइक वाइक बंद हो जाए हो जान दो, माइक कोई बड़ी चीज नहीं है। आराधना बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे प्राण रहें चाहे जाएं। आराधना से भावनाओं से अमर हो जाती है चीज। इसलिए जो आराधना चल रही है, हमसे लोगों ने कहा था कुछ लोगों ने कि आप मत जाइए, हमने कहा हम तो जरूर जाएंगे और जाएंगे ही नहीं, सबसे कहेंगे प्रार्थना करेंगे भाई सिर भले कट जाए। आराधना नहीं बंद होनी चाहिए। यद गोविंदे ति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम, ये तो कृपा है, उनके द्वार पर हम लोग पड़े हैं। अवश्य ये उनका द्वार है, धाम है, यहां की आवाज अवश्य पहुंचती है। इसलिए सभी लोग बड़े निष्ठा से प्रेम से गाओ, ये तुम्हारी आवाज अवश्य पहुंचेगी। सच्चा दीनों का द्वार है, Radhika, Radhika, Radhika.
राधिका 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 ऐसी आवाज लगाओ जैसे स्काई लैब हट गया, समुद्र में कहीं गिरा जा करके। गोपाल 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 सिनम ऋणम एतम प्रवृद्धम में हृदयान्ना पसरपति। करुणा भरी आवाज को वो अमर हो जाती है। महाभारत के बाद भगवान बोले, मैंने आज तक चीर जरूर बढ़ाया लेकिन
ऋण है मेरे ऊपर, द्रौपदी की उस आवाज को जो गोविंद करके चिल्लाई थी, इनम एतम प्रवृद्धम में हृदयान नापसरपति, हमारे कानों में गूंज रही है, आज तक हमारे हृदय से गई नहीं वो आवाज। राधे 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 राधे,
दुनिया के सभी देश उन पे संकट आया है, ये सभी मान रहे हैं। सबने मुझे गिराया Oh.
प्रगटा ब्रज में प्रसार है प्रसार है तुझसे ही प्रेम प्रगटा जग में प्रसार है तेरा ही द्वार कच्चा
राधे राधे, तेज करियो आवाज़।